राखी हमारी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है, तू सलमान खान के मैटर में इन्वॉल्व मत हो वरना तुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और तेरे भाई सलमान को हम बॉम्बे में ही मारेंगे, वो कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा ले, अब की बार उसने सिक्योरिटी में है। एक है मैनेज, व्हाट इज दिस, मैं ही मारेगी, अब की बार हम उसे सिक्योरिटी के साथ ही मारेंगे, ऐसे लास्ट वार्निंग है राखी तेरे लिए, वरना फिर तू क्या, तू भाई तैयार, वरना तू भी भाई तैयार रहना, गुज्जर प्रिंस। सलमान भाई मेरा लुंगी पहनता है और मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिश्नोई समाज के लोग, मेरे भाई हो आप और मेरी, मैं आपकी बहन हूँ, गुस्सा ना करे, गुस्सा शांत करे और ये मारने मारने की धमकी ना दे। जिस खुदा ने आपको भी जन्म दिया है, सलमान भाई को भी दिया है, मुझे भी दिया है, तो जान लेने वाला तो खुदा है, आप धमकी ना दें। भाई मेरे को भी अभी तुम लोग कैमरे से दूर रखो, दूर। मैंने सुना कि अभी किसी को कैमरे में कोई दो आतंकवादी थे, पता नहीं कौन थे, कौन थे वो लोग, वो इंटरव्यू में बातें करते हुए मारते, गोली मार दी, ए गोली मार रहे क्या, नहीं 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 धक्का मार रहे हैं, थोड़ा उधर हो जाओ यार, ए दूर हटो, चलो दूर हटो, गोली गोली मार रहे हो क्या तुम लोग, क्या मार रहे हो, बोलते आंख मार रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको भी सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि आप इस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, तो आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है, यू नो दैट। मतलब मेरे घर खतरा में है क्या, नहीं मतलब जिस तरह ये गोली मार रहा है, गोली मार रहा है, मार रहा है, गोली मार रहा है, मार रहा है, गोली मार रहा है, ऐसा थोड़ी ना मीडिया से बात करते करते गोली मारोगे तुमको। राखी जी काफी एक सीरियस विषय है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस विषय है, मैं बहुत ही शॉक हूँ कि भाई इस दुनिया में नेकी का जमाना ही नहीं रहा है। सलमान भाई के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ पे क्या होता है ना बॉलीवुड में या किधर भी, जब इंसान मर जाता है तो मोमबत्ती लेके बाहर निकलते सड़क पे, फिर रोते हैं, फिर बैठ देते हैं। लेजेंड सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो हुआ, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह, मेरा जो रोज़ा है, मैं खुदा से प्रे करती हूँ कि ऐसा कभी मेरे भाई के साथ, सलमान भाई के साथ ना हो, क्योंकि उनकी उनके बहुत एहसान है मेरे पे, मेरी माँ पे, हमारे ख़ानदान पे बहुत कर्ज है। तो इसीलिए मैं मीडिया में आके बोलती हूँ कि विष्णु भाई, बिश्नोई ग्रुप, बिश्नोई भाई, बिश्नोई समाज, इसीलिए मैं आपके सामने आके उठक बैठक करी थी। मैं बोली थी भाई अगर मेरी माफ़ी से चल जाता है तो आप लोग माफ़ी ले लीजिए, हम लोग कोई ईगो वाले, कोई घमंड वाले लोग नहीं है कि ये लोग कौन है करके, नहीं, हम झुक के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की इज्जत और किसी की जान का सवाल है, यू नो, इसीलिए यहाँ पे कोई घमंड की बात नहीं है। लोग इंडस्ट्री से निकलते नहीं हैं, यहाँ पे सलमान भाई को फिल्मों में लोग यूज़ कर लेते हैं या उनके साथ फिल्में बनाते हैं, और लेकिन पीछे आके कोई बोलता नहीं है कि ये गलत बात है भाई, हर कोई डरपोक और सबकी पुंगी बजी है, मेरी पुंगी कभी बजती नहीं है, मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ, तो मैं यू नो नहीं बोल रहा, मैं अकेले बोल रही हूँ, सब लोग डर के बैठे हुए हैं, मैं डरती थोड़ी हूँ, तुमने तो राकेश सावंत का डरने का नाम है क्या, आप जानते हो ना, तो मेरे को भी धमकी मिल रही है, मैं क्या करूँ, नहीं नहीं मैं जाऊँगी पुलिस स्टेशन, मैं कोशिश करती, आई नो आप मुझे एडवा कर रहे हो भाई, लेकिन आई नो भाई, ठीक है भाई, थैंक यू भाई, ओके भाई, बाय बाय। अरे किसका फोन था मैम, तुम लोग शूट कर रहे हो, किसी का फोन नहीं,